ये मेरे को कोई लेक पे लेके आए हुए हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल है काफी सारे इस लेक पे। देखो उन्होंने सिर्फ एक छोटे से गांव को इतना बड़ा सिटी बना दिया और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चर्च पिलर के अंदर। इस चर्च में 4 लिफ्ट है। काफी अच्छा खासा प्लान करके इस चर्च को बनाया गया है, बट मेरा दिमाग खराब हो गया जब इन लोग ने मेरे को बताया इतना बड़ा है कि पूरे कैमरा के एंगल में आ भी नहीं रहा है, मेरे को रोटेट करना पड़ रहा है। आइवरी कोस्ट के इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं लाइबेरिया से आइवरी कोस्ट की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बॉर्डर टाउन दनाने से 400 किलोमीटर के लिए 8 घंटे की बस लेके आइवरी कोस्ट की कैपिटल यामासुकरो पहुंचा। मिस्टर इसु यामासुकरो। ओके सो गाइस, मैं आइवरी कोस्ट की कैपिटल यामासुकरो पहुंच चुका हूं। यामासुकरो कैपिटल पॉलिटिकल कैपिटल। तो ये मिस्टर ईसा है, एक इंडियन भाई है, उनके ये फ्रेंड है या कुछ है जान पहचान के हैं जिन्होंने मेरे को इनका रेफरेंस दिया था इनसे मिलने के लिए। सुबह 7 बजे निकले थे दनाने से, अभी 3 बज रहे दोपहर के, यानी कि बस ने एग्जैक्ट 8 घंटे लिया। आइवरी कोस्ट भी फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का पार्ट था। इसको 1960 में इन लोगों ने इंडिपेंडेंस लिया फ्रांस से। तो यहाँ पर करेंसी वही सेफा है, वेस्ट अफ्रीकन सेफा, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। अभी तक सियेरा लियोन और लाइबेरिया में सबको इंग्लिश आती थी तो काफ़ी इजी था ट्रैवल करना, बट यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद मैं घाना जाने वाला हूँ, वो फिर से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो जाएगी, थोड़ा इजी रहेगा वहाँ ट्रैवल करना। 15th से 17th century के बीच में, यानी कि आज से लगभग 600 से 400 साल पहले तक इस रीजन में आइवरी का बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुआ करता था, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। उस वजह से इस कंट्री का नाम पड़ा है आइवरी कोस्ट। यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन का कोस्ट है उसके आसपास उस समय ट्रेडिंग हुआ करता था, तो वहां से पूरा कंट्री का नाम पड़ा है। यहाँ की आप रोड देखो एकदम वेल मेंटेन्ड, और कितनी ज्यादा वाइड है, कितनी ज्यादा ब्रॉड रोड है यहाँ पे, और दोनों तरफ काफी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे। आइवरी कोस्ट को पेरिस ऑफ वेस्ट अफ्रीका बोला जाता है। आइवरी कोस्ट पेरिस ऑफ वेस्ट अफ्रीका। एक टाइम पे 1980 और 1990s के आसपास ये कंट्री काफी ज्यादा डेवलप्ड हुआ करता था अपने टाइम के हिसाब से और नेबरिंग कंट्री के हिसाब से। तो उस टाइम पे ना इस कंट्री का नाम पड़ा था, लोग बोला करते थे पेरिस ऑफ वेस्ट अफ्रीका। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे सिविल वॉर हुए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, तो कंट्री थोड़ा सा बैकवर्ड हुआ, फिर भी अभी भी कंट्री काफी मेरे को यार एडवांस, काफी सही लग रहा है, काफी डेवलप्ड लग रहा है कंपेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका। यहाँ की रोड और बिल्डिंग्स वगैरह देख के लग ही नहीं रहा कि मैं अफ्रीका में हूँ, लग रहा है कोई यूरोपियन कंट्री में घूम रहा हूँ। यहाँ की जो कैपिटल की जो रोड है आप देखो यहाँ पे, यामासुकरो आइवरी कोस्ट का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इस कंट्री का जो इकोनॉमिकल कैपिटल है ना वो है अबिजान, जो इस कंट्री की सबसे बड़ी सिटी है, जो कि इस कंट्री के साउथ में पड़ती है जहाँ मैं कल जाऊँगा। इस सिटी की सारी रोड इसलिए खाली खाली लग रही है क्योंकि इस सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सिटी बहुत ही कम टाइम इस्टेब्लिश हुआ है। पूरे आइवरी कोस्ट कंट्री की पॉपुलेशन अराउंड 30 मिलियन है, यानी कि 3 करोड़ के आसपास। उसमें से सिर्फ अराउंड 1.5% पॉपुलेशन ही कैपिटल यामासुकरो में रहती है, अराउंड 4 लाख के आसपास। तो काफी छोटी सिटी है ये पॉपुलेशन वाइज, 500,000 पॉपुलेशन भी नहीं है इस सिटी की। मैंने कल बॉर्डर पे $85 को सेफा में कन्वर्ट कराए थे, ऑलमोस्ट सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, 10,000 सेफा बचा है बस। तो अभी मैं ATM जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोकल करेंसी सेफा को विड्रॉल करते हैं। ओके इनसे मैंने अभी पूछा आप करते हो क्या हो यहाँ पे, आपका काम क्या है, तो बोले मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, उनको मैं अलग अलग बिजनेस को रेंट पे दिया हुआ हूँ। तो मेरे को कुछ यहाँ पे बिजनेस दिखा रहे थे, कुछ ऑफिसेस थे और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह थे, बोल रहे हैं मेरा है वो रेंट पे है। ऑल दैट साइड योर। सो गाइस ये इको बैंक के ATM पे आ चुके हैं। ये इको बैंक पूरे वेस्ट अफ्रीका में है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो गाइस मैंने पैसे निकाल दिया हूँ, 1,00,000 सेफा निकाला हूँ, लगभग 12,500 रुपये के आसपास लगे हैं। देखेंगे जो कम पड़ेगा ज़्यादा पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कटा यहाँ पे। मेरे इस ट्रिप की 10वीं कंट्री है और मॉरिटानिया से लेकर अभी तक टाइम जोन मेरा चेंज नहीं हुआ है, इतनी ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद भी। यहाँ पर टाइम जोन वही सेम GMT 0 या UTC है, इंडिया से 5.5 घंटे पीछे अभी भी हम लोग हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है। जो यामासु थी वो कोई प्रिंसेस थी यहाँ पे। क्रो जो मतलब होता है, क्रो मतलब सिटी होता है इनकी लोकल लैंग्वेज में, क्रो यामासु, क्रो 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 द सिटी, क्रो सिटी है। यामासु 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 हाँ नेम नेम प्रिंस प्रिंसेस क्वीन प्रिंसेस था, कोई प्रिंसेस थी आप पहले, यामासु उनका नाम था, उनके नाम पे सिटी का नाम पड़ा यामासुकरो। या पुले अब आप फीमेल या पुले अब आप फीमेल आओ आप लोग।
क्रोकोडाइल तो भाई ये मेरे कोई लेक भी लेके आए हुए हैं। यहाँ पे क्रोकोडाइल है काफी सारे इस लेक पे, देखो ऊपर दिख रहे हैं काफी सारे क्रोकोडाइल। आई थिंक शायद 15-20 क्रोकोडाइल तो यहीं से दिख रहे हैं चारों तरफ। पानी के अंदर तो और सारे होंगे। सब आ गोल्ड काफी बड़ा क्रोकोडाइल है भाई ये देखो, वेरी बिग क्रोकोडाइल। सामने आपको जो पैलेस दिख रहा है ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ओके। तो भाई आइवरी कोस्ट से जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो इस पैलेस में रहा करते थे। सामने आपको जो प्रेसिडेंट पैलेस दिख रहा है, हां ओ माय गॉड, ये तो बाहर आ रहा है, इसको खाना चाहता है। ईट यू गो टू द डेमो। ईट यू नो वॉच योर माउथ। ओके बाय 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 बाय। तो भाई सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, कोई यूनिवर्सिटी है यहाँ की। देखो कितनी प्यारी लग रही है यूनिवर्सिटी भी यार। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भाई कितना प्यारा यार। और सामने ये आइवरी कोस्ट का फ्लैग, इंडिया से काफी मिलता जुलता आइवरी कोस्ट का फ्लैग है। एवरीथिंग वेरी गुड एवरीथिंग। इस कंट्री पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के और ये सब पार्क और लेक बिल्डिंग्स वगैरह देख के लग नहीं रहा कि भाई मैं वेस्ट अफ्रीका में हूँ। नॉर्थ अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर इस टाइप का डेवलपमेंट है, बट वेस्ट अफ्रीका में मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को। इंडिया की GDP और आइवरी कोस्ट की GDP को कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बट अगर GDP पर कैपिटा को कंपेयर किया जाए ना तो आइवरी कोस्ट का GDP पर कैपिटा इंडिया का 75% है। और आपको एक बात और जान के हैरानी होगी, नॉमिनल GDP पर कैपिटा आइवरी कोस्ट का इंडिया से भी ज़्यादा है। जी हाँ, पॉपुलेशन वाइज यामासुकुरो आइवरी कोस्ट की 5th लार्जेस्ट सिटी है। और इस कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट का यहाँ पर बर्थ हुआ था, उनका ये बर्थ प्लेस है। तो आइवरी कोस्ट के फर्स्ट प्रेसिडेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इस सिटी को डेवलप करने में और इतना ज़्यादा वेल मेंटेन करने में। इतनी ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड रोड है ना कि जितनी कार आपको रोड पे दिख रही है इसकी अगर आई थिंक 100 times भी कार आ जाए ना तब भी यहाँ पर भाई ट्रैफिक नहीं लगेगा, इतनी ब्रॉड रोड है यहाँ पे, पूरी रोड खाली पड़ी हुई है। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट का कोई एम या कोई वैसा कोई सपना था उनका कि सिटी को बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी सिटी बनाया जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया लेकिन पॉपुलेशन उतना आ नहीं पाई यहाँ पे। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, और ये वीडियो में कल के वीडियो में ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज अगला दिन हो चुका है। यामासुकुरो आने का सबसे बड़ा रीज़न, जो प्राइम रीज़न था वो था वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च को विजिट करने का। यामासुकुरो में एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। जी हाँ, तो अभी मैं चर्च बिल्डिंग के अंदर ही हूँ। तो आपके पीछे जो चर्च दिख रहा है ये चर्च है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ पीस। अगर इस चर्च के पूरे सरफेस एरिया को कंबाइन किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, बट अलग सोर्सेज के अकॉर्डिंग लोग इसको लार्जेस्ट चर्च बोलते भी है नहीं बोलते। बट अगर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर जाओगे, जो कि मैंने जस्ट अभी वेरीफाई किया, उस वेबसाइट पर लिखा हुआ है ये चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। इवन वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका से भी बड़ा चर्च है ये। इस चर्च को बनने में लगभग 5 साल लगे थे और 1990 में चर्च बन के कम्प्लीट हुआ था। इस चर्च की डिजाइन काफी कुछ वेटिकन सिटी के चर्च से मिलती जुलती है। ये चर्च खासियत है पूरे आइवरी कोस्ट की, पूरे यामासुकुरो की। साइज के हिसाब से भी मासिव है और ब्यूटी के हिसाब से भी भाई इतना ब्यूटीफुल चर्च वर्ल्ड में बहुत ही कम होते हैं। जब इस चर्च की ओपनिंग हुई थी तो उस टाइम के जो पोप थे वो आए थे यहाँ पे इस चर्च की ओपनिंग करने के लिए। और जब ये चर्च बनना शुरू हुआ था उस टाइम के पूरे दुनिया ने इस चर्च के लिए क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उस समय आइवरी कोस्ट में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो पैसों की बहुत प्रॉब्लम इस कंट्री में। उसके बावजूद काफ़ी सारे पैसे खर्च करके इस चर्च को बनाया गया था उस टाइम पे। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट उनका मैं नाम पूछ जाता हूँ, फेलिक्स उफुएट बोअनी। ओके, सेम नेम विद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी जान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उनके नाम से ही, फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाम से ही है। तो उनका आइडिया था ये चर्च बनाने का अपने होम टाउन में। उनका मानना था कि यामासुकुरो और आइवरी कोस्ट इतना बड़ा चर्च बनाया जाएगा ना तो पूरे अफ्रीका का वो पिलग्रिमेज सेंटर हो जाएगा, पूरे अफ्रीका के लोग यहाँ पर प्रे करने आएंगे। इससे आइवरी कोस्ट की इकॉनमी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, काफ़ी GDP में फ़ायदा होगा। आई डोंट नो कितना हुआ कितना नहीं, चर्च के अंदर तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन चर्च के अंदर इतने बड़े पिलर लगे हैं ना
कि पिलर के अंदर इस चर्च में चार लिफ्ट है, पिलर के सेंटर में इस चर्च के अंदर पिलर जिसपे चर्च टिका हुआ है और उस पिलर के अंदर चार लिफ्ट, चार अलग अलग डायरेक्शन में। और ये पूरे चर्च का डोम बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा मासिव। तो देखो भाई ये टेरेस है, इस टेरेस में स्टोन के बीच में ये होल है। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं, ये गाइड है यहाँ के, व्हाट इज योर नेम? कॉन्स्टेंस। कॉन्स्टेंट, मिस्टर कॉन्स्टेंट। बोल रहे हैं जब रेन होती है ना तो सारा पानी स्टोन के बीच में चला जाता है, फ्रॉम हियर द वाटर गो टू द लेक। तो उसके बाहर पूरा लेक है, आर्टिफिशियल लेक। ओके, काफी अच्छा खासा प्लान करके इस चर्च को बनाया गया है। दिस पाथ कैन मीट मोर देन 150,000 पीपल स्टैंडिंग। यहाँ पर 1.5 लाख लोग खड़े हो सकते हैं प्रे करने के लिए इस एरिया में, इस कैंपस में। ये देखो सिर्फ इस पार्ट में, और तो चर्च और भी बड़ा है। तो इस चर्च में आने के लिए यार एंट्रेंस टिकट भी लेना पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस नहीं है। लोकल्स के लिए 1,000 सेफा और फॉरनर्स के लिए 2,000 सेफा है। तो गाइस अभी हम लोग इस चर्च के कहीं सेंटर में हैं ऊपर की तरफ, बट मेरा दिमाग ख़राब हो गया जब इन लोगों ने मेरे को बताया वहाँ पर भी एक लेवल है जहाँ पर जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए। नॉर्मली जाना अलाउड नहीं है, यहाँ के जो लोग मेंटेन करते हैं सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। वहाँ से पूरे चर्च का बहुत इनसेन व्यू आता है, और इतना ज़्यादा बड़ा चर्च है यार ये, कि मेरा देख के यार मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा चर्च हो कैसे सकता है। अभी तो हम लोग सिर्फ इस चर्च के हाइट के सेंटर में हैं, यहाँ से मैं नीचे देख रहा हूँ जो लोग दिख रहे हैं चींटी के तरीके से दिख रहे हैं, इतने छोटे लोग। और एकदम ऊपर से देखेंगे भाई मेरे ख्याल से लोग ही नहीं दिखेंगे, नीचे लोग भी हैं। देखो ये पूरी सीट्स है, यहाँ की सीटिंग एरिया है पूरा इस चर्च का, 18,000 लोग इस सीटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम हियर टू गो टू द टॉप? हाउ मच? हाउ मच टाइम? Okay, the time to go there, from here to there is more than, I think, 20 minutes. 20 minutes? Yes. By stairs, huh? Yeah, by stairs. Stairs of 800 steps. 800 steps? Yes. Oh my God, there's no lift. Yes, no lift. You have to go like this, huh? Yes, like this. Okay, okay. And ground floor se yahan tak aane ke liye lift lagi hui hai. So, char lift hai yahan pe, pillars ke beech mein. But yahan se upar jaane ke liye sirf stair hai. 800 stair, oh my God. Mera to dimag chakra gaya, bhai. ये चर्च को देख के, इस चर्च के सब फैक्ट्स देख के। देखो भाई ये पिलर के बीच में लिफ्ट है, अब यहाँ से लोग नीचे जा रहे हैं, यहाँ से लिफ्ट आ रही है ऊपर। तो अभी हम चर्च कैंपस के बाहर आ चुके हैं भाई। मैं वीडियो तो चर्च के अंदर से स्टार्ट किया था, बाहर से अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। इतना बड़ा है कि पूरे कैमरा के एंगल में आ भी नहीं रहा है, मेरे को कैमरा काफ़ी रोटेट करना पड़ रहा है। ये देखो यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट की फ़ोटो लगी हुई है। कुछ सालों पहले तक ये शहर सिर्फ एक छोटा सा गांव था जहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट का बर्थ हुआ था। उन्होंने सिर्फ एक छोटे से गाँव को इतना बड़ा सिटी बना दिया प्रेसिडेंट बनने के बाद। कैन यू इमेजिन? This city was the village of the first president. It was a little village. And the president turned into a big, in a city. Big city. Yeah, city to become or today the political capital of this city. और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा चर्च। तो वीडियो ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। ये वीडियो के बाद अब मैं निकलने वाला हूँ आइवरी कोस्ट की सबसे बड़ी सिटी अबिजान, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं बस लूँगा यामोसुकुरो से अबिजान, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले वीडियो में। बाय बाय।